मैं खुशी हैरन हाजिर हूँ आप सभी के सामने बुंदेलखंड की कुछ अहम खबरों के साथ। अब खबर महोबा से। महोबा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां पर दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज फिर नए 41 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे महोबा जिले में संख्या बढ़कर 187 हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा मरीजों को बांदा कोविड सेंटर भेज दिया गया है और साथ ही साथ जो संक्रमित इलाका है उसे सील किया जा रहा है। महोबा जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और आज 41 केस पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन में बेचैनी बढ़ गई है। जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी, पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर में निकले कोरोना संक्रमितों के घर चिन्हित कर आसपास के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। अब तक जिले में कुल मरीजों की संख्या 187 पहुंच गई है, जिनमें से 80 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 104 एक्टिव केस हैं और जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, आज कुल 41 केसेज आए हैं और इनका सैंपल लिया गया था पहले, तो ये वही लोग हैं जो इनके घरों में पहले भी पॉजिटिव केसेज आए थे। अभी गांधीनगर मोहल्ले से हम लोग देख रहे हैं कि उसी घर में एक 5-6 दिन पहले पॉजिटिव आया था, तो उसके जो भी चाचा के लड़के हैं या जो महिलाएं हैं वो पॉजिटिव निकली हैं। अच्छी बात यह है कि किसी में कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो जल्दी से ये वहाँ से डिस्चार्ज भी होंगे। मेरा अपील पुनः आपसे के माध्यम से एक बार ये है कि लोग बिना मास्क के ना निकलें। बड़े बुजुर्ग एक बात ध्यान रखें कि अपने बच्चों को ना निकलने दें और खुद भी ना निकलें। 65 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं या 10 साल से नीचे के जो बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएँ हैं वो एकदम बाहर न निकलें, अंदर रहें, क्योंकि उनमें इसके संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है। इसका पालन करें तो मैं समझता हूँ कि जो इसका चेन है संक्रमण का कोविड-19 का वो हम लोग तोड़ सकते हैं। सर, होम क्वारंटाइन को लेकर सब नए आदेश? नहीं, देखिए टाइम के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं कि अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है जिसमें लक्षण नहीं है उसके घर में अलग उसके लिए शौचालय की व्यवस्था है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति है और उसको कुछ चीज़ें अपने साथ रखनी है, जैसे वो पल्स ऑक्सीमीटर है, थर्मल इंफ्रारेड आपका थर्मल है वो है जिससे वो अपना तापमान नाप सकता है, मास्क है, ये सारी चीज़ें वो अपने पास रखे और डेली वो 2-3 बार सुबह दोपहर शाम अपने ऑक्सीजन लेवल को मापे और यदि ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है 94 से जो सैचुरेशन है बॉडी में तो वो सूचित करें जिससे उसको शिफ्ट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जिनके घरों में होंगी वही होम आइसोलेशन के लिए पात्र होंगे। अब जिसके घर में 2-3 कमरे हैं, परिवार 8-10 का है, तो निश्चित रूप से उनको रहने की व्यवस्था अलग से एक कमरे में नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको हमारे फैसिलिटी जो बनी हुई है जहां हमको उनको रखना है उनको वहां पे रहना पड़ेगा।